फाइट। जब से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग इंसिडेंट हुआ, तब से बी टाउन की हेडलाइंस में सलमान से जुड़े अपडेट्स ही नजर आ रहे हैं। रिसेंटली पता चला कि पापा सलीम खान ने बेटे सलमान खान को धमकी देने वाले को जाहिल कहा। वहीं खान फैमिली की एक्स बहू मलाइका अरोड़ा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो अपने बेटे अरहान खान से उनकी वर्जिनिटी से जुड़े सवाल पूछती हैं, जिसके बदले में अरहान मलाइका से उनकी दूसरी शादी को लेकर सवाल करते हैं। वहीं रिसेंटली यामी गौतम ने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी के लास्ट डेज में उनके हस्बैंड आदित्य ने उन्हें अमर चित्र कथा रामायण गिफ्ट की। चमकीला फिल्म की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का कहना है कि उन्होंने राघव चड्ढा से शादी करने के बाद ही पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है, और अब क्या हो सकता है कि बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन जल्द ही पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने बताया कि सीरियस हेल्थ इश्यूज की वजह से उनकी वाइफ किरण खेर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें एक साल तक इन सभी चीजों से ब्रेक लेने के लिए कहा है।